Assalamu alaikum, students of EGAT. Let's solve some MCQs. So our first MCQ is the equipment attached to a CPU which computer can access are called peripherals. Peripherals ऐसे equipments होते हैं जो कि computer के साथ attach किए जाते हैं. अब इसमें keyboard भी शामिल है, mouse भी, और भी जो जो equipments हम attach कर सकते हैं वो सारे peripherals कहलाते हैं. इसलिए इसका answer C है. Next, an example of peripheral equipment. इन सब में CPU भी नहीं है, स्प्रेडशीट भी नहीं है क्योंकि स्प्रेडशीट तो उसमें उसके अंदर होती है, माइक्रो कंप्यूटर भी नहीं है. इसलिए बेस्ट ऑप्शन सी है, प्रिंटर. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन IO डिवाइस. स्पीकर भी IO डिवाइस है, जॉयस्टिक भी, एंड OCR. ALU जिस तरह मैंने आपको पहले भी किसी लेक्चर में बताया हुआ है कि CPU के दो पार्ट्स होते हैं, एक ALU और एक CU. ठीक है, इसलिए इसकी बेस्ट ऑप्शन ALU है. नेक्स्ट फोर्थ MCQs, लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर. लेज़र बीम टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल डिस्क में यूज़ होती है डेटा को रीड करने के लिए. फिफ्थ, वॉइस इनपुट डिवाइस कन्वर्ट्स वॉइस इनपुट टू. ये वॉइस इनपुट को कन्वर्ट करेगी डिजिटल कोड में और फिर वही वाला डिजिटल कोड हम बाद में यूज़ करेंगे. नेक्स्ट सिक्स, इमेजिंग यूज्ड व्हाट डिवाइस टू इनपुट डेटा. ठीक है, अब ये इमेजिंग के बारे में है तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास स्कैनर है. नेक्स्ट सेवन्थ, द कर्सर कैन बी मूव्ड रोलिंग डिस्क डिवाइस ऑन अ फ्लैट सरफेस. अब इसके लिए बेस्ट ऑप्शन माउस है. नेक्स्ट एट, द मैकेनिज्म फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इन अ डिस्क. अब डिस्क में अगर हमने रीड एंड राइट करना है डेटा, दोनों ही काम करने हैं, तो वो SSRM कहलाता है. क्योंकि अगर हमने डेटा को सिर्फ गेट करना है ना, तो उसके लिए जो टाइम होगा वो सीक टाइम होगा, और अगर वो कुछ डिले प्रोड्यूस कर रहा है तो वो रोटेशनल डिले होगा, जिसमें वो एक पूरे सर्कल के ऊपर रोटेट करेगा, और फिर उसके बाद रोटेट करने के बाद ट्रैक्स और सेक्टर्स और क्लस्टर्स, उन सब में से डेटा निकालेगा. ठीक है. नेक्स्ट नाइन्थ, विच इनपुट डिवाइस ऑफन अटैच टू अ लैपटॉप कंप्यूटर. अब लैपटॉप कंप्यूटर के साथ जो डिवाइस अटैच होती है वो ट्रैक बॉल है, क्योंकि ग्राफिक्स डिस्प्ले तो वो उसकी अपनी ही स्क्रीन होती है. नेक्स्ट टेंथ, अ कलर स्क्रीन विद द बेस्ट रेजोल्यूशन हैज़ द मोस्ट. इसके लिए बेस्ट ऑप्शन सी है, पिक्सल्स. क्योंकि ये तो मोबाइल फ़ोन में भी होता है कि जब हम पिक्चर लेते हैं तो वो उसके जो रेजोल्यूशन है वो पिक्सल से ही हमें पता चलता है. द CRT टेक्नोलॉजी विद द बेस्ट रेजोल्यूशन. अब इसके लिए बेस्ट रेजोल्यूशन ए है, SVGA. VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे एंड S स्टैंड्स फॉर सुपर, सो इट्स सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे. नेक्स्ट ट्वेल्थ, कंप्यूटर आउटपुट प्रोड्यूस्ड अ स्मॉल फिल्म इमेजेस इज कॉल्ड COM. COM स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म. थर्टींथ, इन अ कंप्यूटर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग हिज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स एंड थस मोस्ट अनरिलायबल. तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास प्रिंटर है. प्रिंटर के पास ही लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं और इसलिए ये अनरिलायबल होता है. द डिस्क स्टोरेज दैट यूजेस बोथ मैग्नेट एंड लेजर बीम. तो ये सिर्फ मैग्नेटो ऑप्टिकल थर्ड ऑप्शन यूज करेगी, क्योंकि हैशिंग एक अलग फिनोमिना है. सीडी रोम में दोनों नहीं यूज़ होती, मैग्नेट और लेज़र बीम दोनों नहीं यूज़ होती. नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन भी नहीं है. फिफ्टींथ, पर्सनल कंप्यूटर यूजर्स मे विश टू इंक्रीज देयर हार्ड डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी विद. इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है रिमूवेबल हार्ड डिस्क कैटरेज, क्योंकि ये रिमूवेबल होती है, इसलिए इससे उनके हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. सीडी रोम हैज़ द सेम फॉर्मेट एज. CD-ROM का जो फॉर्मेट है वो सेम होता है एज ऑडियो कम्पैक्ट डिस्क. द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग सेवरल स्मॉल डिस्क पैक्स दैट वर्क टुगेदर एज अ यूनिट. तो वो हमारे पास वर्क करते हैं एज अ रेड रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क. 18, विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज. कन्वीनियंस भी उसका बेनिफिट है, इकोनॉमी भी, स्पेस भी. अब DAT हमारे पास होती है डिजिटल ऑडियो टेप, इसलिए ये उसका बेनिफिट नहीं है. अब मैग्नेटाइज्ड स्पोर्ट रिप्रेजेंट करती है 1 बिट को.
Last, if electrical power supply to a computer system is inadvertently disrupted, the serious damage would occur to. इसकी वजह से जो serious damage आएगा वो हमारे पास disk पे आएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.